और आपके सामने जो ये बात अभी आई है कि जब ये सारा का सारा बंद था, प्रभु यीशु की चर्चेस बंद थी, पैगंबर साहब की मस्जिदें बंद थी, गुरु नानक देव के गुरुद्वारे बंद थे, बौद्ध विहार बंद थे, जैनों के मंदिर बंद थे, हिंदू भाइयों के मंदिर बंद थे, उस वक्त कुछ धार्मिक काम धीरे से चल रहा था और उसको नहीं रोका गया। और वो काम था अयोध्या में मंदिर के निर्माण का काम। और वो मंदिर को निर्माण करने के काम में जब उन्होंने वो ज़मीन को समतल करने के लिए बुलडोज़र चलाए तो वहाँ ऐसे ऐसी बातें प्राप्त हुई जो इसके पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं। लोग कहते थे कि ये बौद्धों का है, तब भी नहीं माना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका नहीं दिया अपनी बात कहने का। वहाँ दो ही लोग लड़े, एक हिंदू भाई लड़ा, मंदिर वाला लड़ा, मस्जिद वाला लड़ा, लेकिन जो बौद्ध है उसको वहाँ कोई मौका नहीं मिला। माई साहेब अंबेडकर वो गई थी वहाँ केस दायर करने के लिए, लखनऊ के ज़माने में जब हमारे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, और फिर भंते नागसेन, भंते ससाई, फिर एडवोकेट गौतम और कई लोग हैं कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किए थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक के वो जो वहाँ के जो वकील है, वहाँ के जो वकील है, उन्होंने जब उनके सामने कौन लोगों के सामने जस्टिस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एंड जस्टिस एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण एंड अब्दुल नज़ीर पीपर्ड सीनियर एडवोकेट राजीव धवन विथ क्वेश्चन ऑन द एविडेंटल वैल्यू ऑफ द हिस्ट्रियन रिपोर्ट एंड सेड एट द हाइएस्ट दिस रिपोर्ट कैन बी टेकन एज ओपिनियन। यानी जिनका एविडेंस लेना था उनके बात को एविडेंस नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये आपका ओपिनियन है। आगे दी बेंच एडेड देयर पोर्ट अपियर्स टू बी ए काउंटर ब्लास्ट टू VHP कैंपेन एंड क्लेम्स इन 1991 नाइदर द व्यूज ऑफ VHP नॉर दैट और ऑफ These four historian can be treated as evidence. We have to decide this case on the basis of evidence on record. The Allahabad High Court had refused to rely on this report and as evidence. Dhawan countered, we cannot dismiss the report as it has been authored by the four best historians of the country. The report in the shape of a letter was written on May 13, 1991 bearing the names of R.S. Sharma, renowned historian, retired professor of Delhi University and first chairman of Indian Council of Historical Research, M. Athar Ali, retired professor of history of Aligarh Muslim University and former president of Indian History Congress, Dr. D.N. Jha, former professor of history of Delhi University, and Suraj Bhan,
प्रोफेसर ऑफ आर्कियोलॉजी इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी झा डिड नॉट साइन द रिपोर्ट एंड ऑन ओनली भान वॉज एग्जामिन्ड एज एन एक्सपर्ट विटनेस फॉर सुन्नी वक्फ बोर्ड बिफोर द हाईकोर्ट रेफरिंग टू द स्टडी टाइटल्ड बाबरी मॉस्क और रामाज बर्थडे बर्थ प्लेस हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द इंडियन नेशन द बेंच आस्क्ड whether it was commissioned by the government or it was given voluntary by the historians in the cross examination before the high court Bhan admitted that only he and Sharma had gone to Ayodhya prior to the study he admitted having no knowledge of Puranas, no knowledge of Puranas and said we were given only 6 weeks time for the entire study. Pressure was being repeatedly exerted so we submitted our report without going through the record of the excavation work by B.B. Lal. Page 2086 of High Court Judgment on Ayodhya Title Suits. इसका मतलब ये है कि चार जो हिस्टोरियन गए उनको भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला. वहाँ एक ऐसे रिनाउंड प्रोफेसर थे जिनका नाम आर एस शर्मा था. उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी है इतिहास की. नागपुर में नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा उनका लेक्चर रखा गया था नागपुर यूनिवर्सिटी में. तो वो आए थे एंशियंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के द्वारा. जब वो प्रोग्राम हुआ तो उनका भाषण हुआ और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर एस शर्मा ए रिनाउंड प्रोफेसर एंड हिस्टोरियन उन्होंने कहा कि अभी तक इस घड़ी तक श्री रामचंद्र प्रभु और भगवान श्री कृष्ण के ऐतिहासिक पुरुष होने का कोई भी एविडेंस कोई भी प्रूफ प्राप्त नहीं हुआ है. एक बार जगन्नाथ उपाध्याय जी की बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने. लखनऊ में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट या नेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भरी थी अपने इनके अश्वघोष पे महाकवि अश्वघोष पे. और जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उसी दिन बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया. तो जितने भी प्रोफेसर भाई थे बनारस के काशी के पंडित वो बड़े खुशी के साथ बड़े आनंद के साथ कहने लगे आखिर हिंदुओं को न्याय मिल ही गया. तब वहाँ महापंडित जगन्नाथ पंडित उपाध्याय थे वो प्रोफेसर थे संस्कृत के विद्वान. और बाबा साहब जब नेपाल से लौटे तो उन्होंने बाबा साहब का भाषण सारनाथ में रखा था. उन्होंने कहा देखो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है. ये अयोध्या का जो जगह है न हिंदुओं की है न मुसलमानों की. अगर ईमानदारी के साथ आप एक्सकैवेशन करेंगे उत्खनन करेंगे तो वो जगह केवल और केवल बौद्धों की है. और आज अभी जो बुलडोजर चल रहे हैं समतल हो रहे हैं और वहाँ जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो तो ऊपर ही सतही तरह जगह पर मिल रहे हैं. अगर अंदर खोजा गया तो वहाँ भगवान बुद्ध के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा. तो ये जो बात है ये बात के लिए हमको इसको थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा. अब ये जो इतिहास है ये कहाँ से शुरू होता है
ये साकेत से शुरू होता है। अयोध्या का इतिहास ये साकेत से शुरू होता है। और ये साकेत कौन सी जगह है, देखिए इसे साकेत को, ये जो है उसको एक महत्वपूर्ण जगह है ये। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अक्सर ये देखा जाता है कि भारत के असली इतिहास को दंत कथाओं के तौर पर देखा जाता है, बताया जाता है, और इसके बराबर विपरीत जो भूतकालीन रंजनात्मक कथा कहानियां हैं, दंत कथाएं हैं, उनको इतिहास के तौर पर बताया जाता है। यानी कल्पना को इतिहास बनाया जाता है और इतिहास को कल्पना बनाया जाता है और माना भी जाता है। इसका मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता इतिहास को इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है, या तो उनको ऐसा मानने से भ्रमित किया जाता है। इनमें बहुसंख्य तथा कथित बुद्धिमान और उच्च विद्या विभूषित पढ़े लिखे लोगों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो इतिहास को इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है, और है तो सामान्य जनता को इतिहास को इतिहास बताने या उनके सामने रखना नहीं चाहते। किसी देश की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध एवं वैभवशाली गौरवशाली बनाना हो तो उस देश की जनता ने, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग ने, इतिहास को इतिहास और दंतकथाओं को दंतकथाएँ ही मानना चाहिए और समाज के सामने रखना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने एक प्रवचन के दरमियान कहा था, सत्य को सत्य की तरह जानो और असत्य को असत्य की तरह जानो। लेकिन भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में वस्तुस्थिति पूर्णतः विपरीत है, जो बहुत बड़ी विडंबना है। इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा कहते हैं, असुरक्षित वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के बीच पीसती जनता को अतीत गोरा हो या काला, उससे काय लेना देना, क्या लेना देना। तभी तो वह इतिहास को गड़े मुर्दे उखाड़ना कहती है। इतिहास की किताब किसी मशहूर कब्रिस्तान की गाइड लगने लगती है, ऐसे ही इतिहास के छात्रों को हिस्ट्री बेवफा लगती है। और देखिए यही किस्सा बुद्ध भूमि साकेत बनाम जन्म राम जन्मभूमि अयोध्या के संदर्भ में हुआ है। दुनिया के महानतम बहुसंख्य इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि भारत के विश्वसनीय इतिहास की शुरुआत ही भगवान शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध के कालखंड से होती है। अर्थात शाक्यमुनि बुद्ध ही भारत के प्रथम ऐतिहासिक महापुरुष हैं, जिनका ऐतिहासिक कालानुक्रम शिस्तबद्ध ढंग से लगाया जा सकता है। शाक्यमुनि बुद्ध के बाद मौर्यों के इतिहास से और ज़्यादा ऐतिहासिक स्पष्ट कालानुक्रम होते जाता है। प्रोफेसर एल एम बशम आगे कहते हैं, इट इज़ इन द सिक्स सेंचुरी ऑफ सेंचुरी बीसी दैट इंडियन हिस्ट्री इमर्जेस फ्रॉम लीजेंड्स एंड डोबियस ट्रेडिशन। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी रीड ऑफ ग्रेट किंग्स हुज हिस्टोरिक सिटी इज सर्टेन एंड सम ऑफ वेयर अचीवमेंट्स सम ऑफ हुज अचीवमेंट्स आर नोन एंड फ्रॉम नाउ ऑन द मेन लाइन ऑफ इंडिया पोलिटिकल डेवलपमेंट आर क्लियर। भगवान बुद्ध से ये बात शुरू हो जाती है। और अब देखिए कि ये जो राम मंदिर की बात आई है, ये राम मंदिर कहाँ से कब कैसा उत्पन्न हुई, ये बात लोगों के सामने आनी चाहिए। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सत्य को सत्य जानो। ब्राह्मणी और पौराणिक साहित्य में जिस प्राचीन उत्तर भारतीय नगर को अयोध्या कहा गया है, उसी को बौद्ध साहित्य में प्राचीन समृद्ध साकेत नगरी कहा गया है। यानी आज की जो अयोध्या है उसका ओरिजिनल नाम जो है वो साकेत है, साकेत कहा गया है। उसी जैसा कि हमने इसके पहले देखा है कि भारत के ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत शाक्यमुनि बुद्ध से होती है, तब से लेकर ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करने वाले
श्री धम्म यात्री पूजनीय भदंत यूएन संघ तक और उसके कई वर्षों बाद तक अयोध्या में राम मंदिर होने का धुंधला सा भी उल्लेख नहीं आता। संगारामा, इसके विपरीत यूएन संघ अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, देयर आर अबाउट 100 संगारामाज मोनेस्ट्रीज इन द कंट्री एंड 3000 प्रीस्ट्स हु स्टडी बोथ द बुक्स ऑफ ग्रेट एंड लिटल व्हीकल हीनयान एंड महायान। और आगे, इन द कैपिटल इट इज ओल्ड संगारामा, इट वॉज इन दिस प्लेस दैट वसुबंधु बोधिसत्व ड्यूरिंग ए सोजर्न ऑफ सेवरल डिकेड्स ऑफ ईयर्स कंपोज वेरियस शास्त्रास बोथ ऑन द ग्रेट एंड लिटल व्हीकल बाय द साइड ऑफ इट इज इट आर सम ruined foundation walls. This was the hall in which Vasubandhu Bodhisattva explained the principles of religion and preached for the benefit of kings of different countries, eminent men of the world, Shramana and Brahmanas. और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ ऐतिहासिकता जो प्रूव हो रही है वो साकेत में बौद्धों की हो रही है, भगवान बुद्ध की और वसुबंधु की और असंग की बात यहाँ आई है। आगे देखिए, टू द वेस्ट संगारामा 4 or 5 ली इज ए स्तूपा कंटेनिंग रिलिक्स ऑफ तथागताज हेयर एंड नेल्स। वहाँ से थोड़े ही अंतर पे एक स्तूपा है जहाँ भगवान बुद्ध के बाल और नाखून पे एक स्तूपा बना हुआ है जो सम्राट अशोका ने बनाया है। टू द नॉर्थ ऑफ द स्तूपा आर द रुइंस ऑफ संगारामा। इट वॉज हियर दैट शीलभद्र ए मास्टर ऑफ शास्त्रास बिलोंगिंग टू द सौत्रांतिका स्कूल कंपोज द विभाषा शास्त्र ऑफ द स्कूल। विभाषा शास्त्र का ग्रंथ जिन्होंने लिखा वो श्री लब्ध, इनका उल्लेख उन्होंने किया है। देखो, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो अयोध्या है, ये अयोध्या के बारे में आगे और है। वहाँ अनेक बौद्ध संगाराम और स्तूप होने का उल्लेख चीनी धम्म यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। साकेत नगरी में खुद शाक्यमुनि बुद्ध अनेकों बार निवास करने का उल्लेख बौद्ध साहित्य में आता है, राम का उल्लेख नहीं आता। बुद्ध के समय से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक किसी भी विदेशी पर्यटकों के द्वारा यात्रा वृत्तांतों में अयोध्या में राम मंदिर होने का उल्लेख नहीं किया गया है। बुद्ध के समय से नहीं किया गया है, ना ही वह राम जन्मभूमि का दावा किया गया है। इस संदर्भ में हंस बकर नामक विश्वविख्यात इतिहासकार अपने द राइज ऑफ अयोध्या एज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज नामक शोध निबंध में निम्न टिप्पणी करते हैं, कहते हैं, अयोध्या दैट इज यूपी इज ए प्लेस ऑफ मोस्ट वेनरेबल एंटिक्विटी एंड सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ इंडिया 7 होली दैट इज रिडेम्पशन giving cities, yet such factors provided no adequate grounds for the assumption that it has been a center of pilgrimage since ancient times. यहाँ वो तीर्थ क्षेत्र नहीं थी वो जगह इनके लिए। Whether Ayodhya also functioned as an important center of orthodox religion cannot be ascertained from the source of these two heterodox Buddhist and Jaina tradition, although it has been assumed that the phenomenon of pilgrimage existed in the time of Buddha, neither in the Maharashtra nor Mahabharata nor in the Ramayana is Ayodhya mentioned as तीर्थ होली प्लेस।
यानी वहाँ कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं आया, ये हंस बकर नाम का विद्वान कह रहा है। इस तरह से हम आगे जब चलते हैं तो इतिहास के झरोके में साकेत नगरी का विषय आता है। यानी मूल जो बात है हमको ये समझना है कि अयोध्या है क्या, ये सही माने में अयोध्या है कि दूसरी जगह है। तो ये हमारे ध्यान में आता है कि अयोध्या अयोध्या नहीं है, ये साकेत है, पर इसका नाम बदल दिया गया था, इसको जगह इसकी बदल दी गई थी। भारत एक प्राचीन इतिहास वाला देश है और इसमें बुद्धकालीन पहले 6 महानगरों में भारत के श्रावस्ती और साकेत, इन 2 महानगरों का नाम बड़े ही धनधान्य समृद्ध और प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता था। अयोध्या नहीं है उसमें, साकेत है। बाकी 4 महानगरों में चंपा, राजगृह, कौशाम्बी और वाराणसी का समावेश था। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक श्रेष्ठी ने तथागत बुद्ध के लिए जेतवन नामक विहार का निर्माण करवाया था। इसके लिए उन्होंने पूरे जेतवन परिसर में सुवर्ण मुद्राएं बिछाकर जेत कुमार से यह जमीन खरीदी थी। विशाखा मिगार माता नामक उपासिका ने भी करोड़ों रुपए खर्च कर पूर्वाराम नामक 2 मंजिला विहार का निर्माण कराया था। भाईयान ईस्वी सन 399 से 414 और ह्यूयन संघ ईस्वी सन का 629 से 645, यह दोनों चीनी धर्मयात्री 5वें और 7वें शताब्दी में श्रावस्ती और साकेत नगरी में आए थे। श्रावस्ती के महाप्रजापति गौतमी का राजकाराम, भिक्षुणी संगाराम, अनाथ पिंडिका, जेतवनाराम और अंगुलीमाल के प्रव्रजा स्थानों का उल्लेख फाइयान और ह्यूयन संघ दोनों ने एक जैसा किया है। ह्यूयन संघ ने हजारों मील के प्रदेश का उल्लेख शीलो फसीती यानी श्रावस्ती के नाम से किया है। श्रावस्ती को उसने प्रासाद नगर नाम से उल्लेखित किया, वैसे ही दक्षिण विभाग के जेतवन को वह शेतो नाम से उल्लेखित करता है। इसी को अनाथ पिंडिका राम केतु तू युआन भी कहता है। ह्यूयन संघ ने यहाँ सम्राट अशोक के 2 स्तंभ और 5 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा भी देखी थी, भगवान बुद्ध की। यह मूर्ति कौशाम्बी नरेश उदयन ने बनाई मूर्ति की प्रतिकृति थी और यह मूर्ति राजा प्रसेनजीत के लिए बनाई गई थी। इस तरह इस श्रावस्ती को आधुनिक सहेट महेट, इनका नाम अभी सहेट महेट है, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक दूसरे के कुछ अंतर पर महेट और यह उत्तर दिशा में और सहेट दक्षिण दिशा में स्थित है। महेट को श्रावस्ती और सहेट को जेतवन कहा जाता है। इन प्राचीन महानगरों को ढूंढने का सारा श्रेय मेजर जनरल कलिंगहैम को जाता है। 1862-63 में कलिंगहैम ने श्रावस्ती नगर का उत्खनन प्रारंभ किया। यहाँ उन्हें 7 फीट की तथागत की प्रतिमा मिली, इनको भी मिली, कनिंगहैम को वो प्रतिमा मिली। इस घटना से यह भी साबित होता है कि बल नामक भिक्षु ने यह मूर्ति श्रावस्ती विहार में स्थापित की थी। मेट में कई बार हुई खुदाई के आधार पर वहाँ वही श्रावस्ती नगरी है, यह बात सिद्ध हो चुकी है। श्रावस्ती नाम अंकित की गई लिखित सामग्री सहेट महेट के भग्नावशेष से प्राप्त हो चुकी है। श्रावस्ती से राजगृह विहार की ओर जाने वाले मार्ग पर साकेत नगरी थी। यही मार्ग दूसरी तरफ तक्षशिला की ओर जाता था, इसे उत्तरापथ कहते थे। दूसरा मार्ग श्रावस्ती से शुरू होकर साकेत नगरी से होते हुए महाराष्ट्र के पैठन प्रतिष्ठान तक जाता था और उसे दक्षिणापथ कहा जाता था। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा वर्षावास जेतवन और पूर्वाराम विहार में ही किए थे। साकेत नगरी यह श्रावस्ती से 6-7 योजन पर थी, इसकी जानकारी जातक कथा और अट्ठकथाओं से मिलती है। विशाखा विगार माता ने श्रावस्ती जैसा ही बड़ा भव्य विहार साकेत नगरी में भी बनाया था। इसका नाम भी पूर्वाराम विहार ही था।
इसकी जानकारी हार्डी के मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म से मिलती है। ये बात इसलिए मुख्य महत्वपूर्ण है कि ये पार्श्वभूमि पहले समझ लेना जरूरी है कि अयोध्या और सावित्री साकेत है क्या। जब तक ये अपन लोकेशन नहीं जान लेंगे तब तक के आगे की बातें हम समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए ये प्रयोग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम कि साकेत ही मूल जगह है, नाम उसका साकेत है, अयोध्या नहीं है। साकेत इस केवल इस कोसल राज्य में ही साकेत वर्तमान अयोध्या, जैसे अभी मुगल सराय को उन्होंने उपाध्याय का नाम दे दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज का नाम दे दिया, उसी तरह से ये साकेत को अयोध्या का नाम दिया गया वो जमाने में। वर्तमान अयोध्या नामक महानगर था। नंदियमिग जातक के अनुसार ही साकेत यह कोसल राज्य की राजधानी थी, अर्थात साकेत यह श्रावस्ती से भी प्राचीन नगर था। शाक्य वंशीय बुद्ध के पूर्वज शाक्य भी साकेत नगरी के निवासी थे, ऐसा महावस्तु ग्रंथ कहता है। दूसरी पाली परंपरा साकेत नगर ही बुद्ध काल में ही बसा होने का भी संकेत देती है। राजा प्रसेनजीत के आग्रह पर मगधराज बिंबिसार ने अपने राज्य के धनंजय नामक सृष्टि को कोसल देश में वास्तव्य करने के लिए भेजा था। धनंजय सृष्टि सह परिवार कोसल देश जाने के लिए निकला, मगर कोसल देश की सीमा पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और धनंजय ने वहीं तंबू डालकर मुक्काम किया। इस जगह से श्रावस्ती 7 योजन दूर थी, मगर धनंजय ने इस जगह को अपने वास्तव्य के लिए चुना और बाद में इसी जगह को साकेत नगरी यह नाम मिला, ऐसा धम्मपद अट्ठकथा से स्पष्ट हो जाता है। ये सब एविडेंस वाली बात है, सुनी सुनाई बात कुछ नहीं है। हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा एविडेंसेस है। श्रावस्ती और साकेत के बीच 7 इतिहासकारों के प्रमाण साकेत नगरी ही आज अयोध्या, आज की अयोध्या। मेजर जनरल कनिंगहम के मतानुसार फाइया ने जिस शाची और यूएन संघ ने वर्णन की हुई विशाखा वाटर्स के अनुसार विशोक, यह दोनों नाम साकेत नगरी के ही होकर आज के अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं, अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं। धनदेव और विशाख दत्त इन अक्षरों से अंकित की गई मुद्राएं अयोध्या साकेत में ही मिली थी। साथ ही धनंजय और विशाखा का परिवार साकेत नगरी में ही विख्यात था। इनके नामों का पुनरुच्चार और विशाखा महात्म्य ध्यान में रखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसके नाम पर ही अयोध्या या साकेत नगरी को विशाखा कहा गया रहा होगा, यह निष्कर्ष कनिंगहम ने निकाला था। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम नामक समुद्री बंदर भी विशाखा के नाम पर ही रखा गया होगा ऐसा माना जाता है, विशाखापट्टनम। डॉक्टर स्मिथ श्री भी भाई फाइयान के साची को ही साकेत नगरी मानते हैं। इस साकेत साची को से फाइयान कनौज होते हुए आया था। उसने साकेत में भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध की दंतवना दातौन दंतकुचिका की गीली लकड़ी से तैयार हुए पेड़ का वर्णन किया हुआ है। फाइयान के 2 शतक बाद आए हुए ह्यूयन संघ ने भी इस पेड़ का उल्लेख किया था। दोनों से ही 20 और 100 बौद्ध विहारों के साकेत में निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या 3000 तक होने का लिखा है। महापंडित राहुल सांगुत्यायन ने भी साकेत को अयोध्या माना है। वे लिखते हैं, कोसल राजा ने श्रावस्ती से 7 योजन के ऊपर साकेत अयोध्या नगर में उसे धनंजय ने बसा दिया। साकेत अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती और साकेत का फासला थोड़ा था। प्रोफेसर दामोदर कोसाम्बी के मतानुसार पुराना मुख्य नगर साकेत था। यह साकेत वही परंपरागत पारंपरिक अयोध्या अभेद्या नगरी है। भिक्षु मंडली साकेत फैजाबाद होते हुए श्रावस्ती पहुंची। स्वामी गवमपति साकेत में अंजलवन मुगदाओ में विहार कर रहे थे, तभी तथागत बुद्ध का आगमन हुआ। उनके साथ आया हुआ भिक्षु संघ अंजनवन के समीप सरभू आधुनिक सरयू नदी के
नदी के किनारे रात में सो गए। संकेत साकेत के पास ही अंजनवन था और उसी से सटकर सरभू यानी सरयू नदी बहती थी। अयोध्या नदी गंगा के किनारे है और ये साकेत जो है ये सरयू के किनारे है और आज की अयोध्या सरयू के किनारे है। जहाँ राम का पुतला बनाने जा रहे योगी वो सरयू जो है वो साकेत है और वो साकेत की जो नदी है वो सरयू है, उसको सरजू भी कहते हैं, साकेत है। इस बात को मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। ये या सरजू नाम से पहचाना जाता है। ये आज भी अयोध्या के को स्पर्श करते हुए घाघरा नदी, जिस साकेत के पास ही अंजन वन था उसी के सटकर सरभू यानी सरयू नदी बहती थी, जिसे वर्तमान घाघरा नदी भी कहा जाता है। सरयू के घाघरा की सरयू यह घाघरा की उपनदी है। आज भी अयोध्या के अयोध्या को स्पर्श करते हुए घाघरा नदी जहाँ से बहती है उसे सरयू या सरजू नाम से पहचाना जाता है। यह सरयू नदी बहराइच गोंडा जिला के पास घाघरा नदी में समाहित होती है। आज की अयोध्या भी सरयू नदी के किनारे बसी है, अतः आज की अयोध्या ही फैजाबाद तब की साकेत है। इस बात को मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। यह इस बात की पुष्टि राहुल सांकृत्यायन करते हुए कहते हैं, साकेत अयोध्या में बुद्ध समकालीन प्रसेनजीत का एक राजमहल जरूर था। सरयू के तट पर बसा साकेत पहले भी नव व्यापार का ही नहीं बल्कि स्थल व्यापार का भी भारी केंद्र रहा था। अब इसके आगे हम जाते हैं तो पुष्यमित्र और साकेत का उल्लेख आता है। चलिए आगे थोड़ा सा एक दो पन्ने। सम्राट अशोक का पोता बृहद्रथ ईस्वी सन 184 बृहद्रथ का खून करने के पश्चात भी पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य को काबिज न कर सका। संपूर्ण पंजाब ग्रीक बौद्ध राजा मिलिंद मिनेंडर के आधिपत्य में चला गया। उसने साकेत को भी घेर लिया था, ऐसा शुंग के ब्राह्मण पुरोहित पतंजलि ने लिख कर रखा है। दो बार अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने साकेत को राजधानी का दर्जा दिया हुआ था, यानी ये शुंग ने साकेत को फिर अपनी राजधानी बनाया वहाँ आकर। उसके शासनकाल में प्रारंभ में साकेत का नाम खास महत्व था। डॉक्टर भटनागर कहते हैं, गुप्त राजा ने पाटलिपुत्र को छोड़ अयोध्या अर्थात साकेत को ही अपनी राजधानी बनवाई थी। इसी साकेत नगरी ने संस्कृत कवि महाकवि कुलगुरु महाकवि भदंत अश्वघोष को जन्म देकर अपने कंधे पर खिलाया था। अश्वघोष की माता सुवर्णाक्षी साकेत कन्या थी। आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षुराचार्यस्य भदंत अश्वघोषस्य महाकवेर महावादिनः कृतिरियम्। उन्होंने कहा कि आर्य सुवर्णाक्षी का पुत्र साकेत का रहने वाला भिक्षु आचार्य भदंत अश्वघोष और महाकवि और महावादी अश्वघोष की ये कृति है। अपने महाकाव्य में आखिर में उन्होंने लिखा है ऐसा। वे स्वयं का गौरवपूर्ण परिचय देते हैं। संपूर्ण जम्बद्वीप को अपने तेज से सूर्य समान प्रकाशित करने वाले महाकवि अश्वघोष को प्रस्तुत करने वाली साकेत नगरी की विशेषताएं चीनी यात्रियों ने विस्तार पूर्वक उद्धृत किए हैं। यूएन संघ लिखते हैं, गंगा नदी पार कर अयोध्या प्रदेश में प्रवेश किया। इस प्रांत की राजधानी अयोध्या यानी प्राचीन साकेत थी। महान तत्वज्ञानी असंग एवं वसुबंधु इनके कीर्ति से अयोध्या अब भी दैदीप्यमान थी। बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद के वे आद्य प्रवर्तक थे। शहर के नैऋत्य दिशा से 2 मील दूर विहारों से दोनों बंधु 200 साल पहले रहा करते थे। वहाँ
वहीं धर्म तत्व ज्ञान का पठन पाठन करते थे। वे गांधार से आए हुए दोनों पठान बंधु थे, पठान भाई थे, बौद्ध भिक्षु थे। असंग ने महायान का स्वीकार किया तो वसुबंधु हीनयानी रहा। उनके विचार प्रवर्तन के संबंध में ह्यूयेन संघ लिखते हैं, उस महान विज्ञानवादी असंग ने अयोध्या के पास अमराई के विहार में वसुबंधु से भेंट की। असंग वसुबंधु को विहार की छत पर ले गए जहां से बहती हुई सरयू नदी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चंद्रमा अपनी धवलता लिए हुए सरयू के स्वच्छ हृदय में प्रतिबिंबित हो रहा था। सरयू के निर्मल प्रवाह में प्रतिबिंबित हो रहे चंद्र प्रकाश में वसुबंधु को साक्षात्कार हुआ। इस अयोध्या में उस उम्र के 83वें साल में वसुबंधु का परिनिर्वाण हुआ। राहुल जी और डॉक्टर फ्राउल वार्नर के मतानुसार वसुबंधु नरसिंह बाला दित्य गुप्त युवराज के राजगुरु थे, परंतु राहुल जी के मतानुसार वसुबंधु मातृभूमि को लौट गए थे। भदंत वसुबंधु अयोध्या में सम्मानित गुरु के तौर पर कई साल तक के रहे। पीछे गुप्तों की नीच भावना से निराश हो अपनी जन्मभूमि पुरुषपुर यानी पेशावर को लौट गए। ह्यूयेन संघ लिखते हैं, अयोध्या के पुराने संगाराम में वसुबंधु ने अनेकों ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। उसी संगाराम में सटी इमारतों की नींव के भग्नावेश मिलते हैं। इसी सभा मंडप में वसुबंधु धम्म प्रवचन किया करते थे। शहर की उत्तर दिशा में 10 मील की दूरी पर संगाराम है, जिसमें अशोक सम्राट द्वारा निर्मित 200 फीट ऊंचा स्तूप है। यही बुद्ध ने धर्मोपदेश किया था, इसलिए अशोक ने यहाँ स्तंभ का निर्माण करवाया। इसी संगाराम की पश्चिम की ओर 1.5 मील दूर एक स्तूप है, जिसमें भगवान बुद्ध के केश और नाखून जतन करके रखे गए हैं। वहीं पर बौद्ध पंडित श्री लब्ध ने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अयोध्या में ह्यूयेन संघ कृत वर्णन में साकेत अयोध्या और सरयू नदी का उल्लेख अत्यंत सजीव है। इसमें सभी स्तूप एवं विहारों की संगति विस्तृत विवरण और विश्लेषण करने का महत् कार्य जनरल कनिंगहम ने अपने अयोध्या के उत्खनन में किया है, और यह सभी विश्लेषण एवं निष्कर्ष आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में लिपिबद्ध कर जतन करके रख दिया है। परंतु लेवलिंग में जो सबूत मिल रहे हैं उस पर से तो सिद्ध हो जाता है कि इतने ऊपर लेवल पे अगरचे वो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो अगरचे उत्खनन किया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, तो वहाँ तो बहुत सारी बातें प्राप्त होगी। और ये मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगहम ने कहा है कि ऊपर से अगरचे वो माउंड है, माउंड टीला, उसको अगरचे ड्रिल किया जाता है तो भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ है वहाँ मिल सकती है। तो ये बात हो सकती है, लेकिन बशर्ते हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलने का भी मौका नहीं दिया, हमारी बात भी नहीं सुनी। विनीत कुमार मौर्य ने केस दायर की थी, उनकी भी बात नहीं सुनी। हमारे माई साहेब अंबेडकर, इनकी केस का क्या हुआ हमें पता नहीं है। किसी बौद्ध महासभा ने आज तक के उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, समता सैनिक दल ने नहीं लड़ी, रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं लड़ी। और जहां स्वयं मुख्यमंत्री 4 बार रही मायावती जी, उनके ही यूपी में है, और उनके जो गुरु थे कांशीराम जी, बहुजन बंधु जिसे कहते थे हम, उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब के धम्म दीक्षा समारोह को जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा 2 करोड़ लोगों के साथ कर लूँगा। परंतु उनका निर्वाण हो गया,
मायावती जी ने उनका निर्माण की, उत्तर क्रिया जो है वो बुद्ध पद्धति से की, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूजा अर्चा कराई, परित्राण पाठ किया और उनके लिए जिन्होंने स्मारक बनाया वहाँ बौद्ध विहार बनाया, वहाँ बोधि वृक्ष भी लगाया और वो स्वयं उनके पिताजी भी बौद्ध है। कांशीराम जी खुद भी कहते थे मायावती तो बहुत बुद्ध बुद्ध करती है, बोले उनको क्यों नहीं मूर्ति देते, आप मुझे क्यों दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। हमने कहा मौका आएगा उनके बर्थडे का तो उनको भी देंगे। और उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया था कि मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लूँगी, दो बार डिक्लेयर किया, नागपुर में डिक्लेयर किया, अपने पड़ोस में डिक्लेयर किया और उनके आंखों के सामने ये हो रहा है, हो रहा था। वो चीफ मिनिस्टर नहीं, उनके खासदार रहे, वो स्वयं खासदार रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा सारनाथ में जाते हैं, बुद्धगया में जाते हैं, कुशीनारा में जाते हैं, राजगिरी में जाते हैं, सारे के सारे जो तीर्थ क्षेत्र है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने दीक्षा देकर आपको ये बौद्ध तीर्थों का मालिक बना दिया है, दुनिया के बौद्धों के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ दिया है और भारत के सवर्ण हिंदू भाइयों के हो बराबरी में आपको मैंने खड़ा कर दिया है। इस बैकग्राउंड पे हमारे राजकीय पक्ष जितने भी है, जितने भी गुट है, उनमें से किसी ने इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। जो हमारे मंत्री हैं बाबा साहब के बाद कहते हैं कि मैं ही मंत्री बना महाराष्ट्र से, वो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। उनका जो नवासा है बहुत बड़ा नेता है, विद्वान है, खासदार रहा हुआ आदमी है, बहुत बड़ी उनकी धाक है समाज में, राजनीति में, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। तीन चार जो ग्रुप है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के और बाकी और भी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बामसेप के लोग हैं, उसमें केवल एक आदमी है वामन मेश्राम जी जो स्वयं इस बारे में बोल रहे हैं। दिसंबर में बम्बई में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं बुद्ध गया के मुक्ति के लिए आंदोलन करूंगा और अब कल परसों उन्होंने डिक्लेयर किया कि राजरत्न अगर जी इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूँगा। और वो कानून के, वो जो कामगार विरोधी कानून बना उसको उन्होंने जलाया, विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के लिए वो लड़ रहे हैं और आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 14 उनकी डिमांड है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी और कहा कि ये जो कानून है काला कानून है, कामगार विरोधी कानून है, विद्यार्थी विरोधी कानून है, इसको आप अपने घरों में जलाओ और उसका वीडियो हमको भेजो। जब लोग ताली बजाते हैं, जब लोग दिए जलाते हैं तो हम लोग एक कानून को जलाने के लिए क्यों नहीं आगे आ सकते हैं? तो ऐसे हालत में विनीत कुमार मौर्य को भी चांस नहीं मिला, अब कैसा मिलेगा? उन्होंने तो कहा था कि ये बात इनकी सुनवाई हो जाने दो, हम आपको सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने तो जजमेंट दे दिया। 65 एकड़ ज़मीन मंदिर वालों को दे दी, 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद वालों को दे दी और बौद्धों को कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें मिली रोशनी, हमको अंधेरा। जो सही माने में वहाँ के क्लेमेंट है उनकी बात तक के नहीं सुनी। तो हमारी ये मांग है कि हमारी बात सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट सुने, हमें नेचुरल जस्टिस दे। जब तक के बौद्धों की बात सुनी नहीं जाती, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस देने का मौका नहीं दिया जाता, तब तक के ये नेचुरल जस्टिस नहीं होगा, ये पूरा जस्टिस नहीं होगा, न्याय जस्टिस नहीं होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं, ये मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से, प्राइम मिनिस्टर से, ये मांग करते हैं कि हम बौद्धों को अपनी बात कहने का मौका सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। और राष्ट्रपति से इस खास हम विनंती करना चाहते हैं कि वो इस बारे में ध्यान दे, क्योंकि उनके सिंहासन के पीछे धम्म चक्र प्रवर्तनाय लिखा है, भगवान बुद्ध का वाक्य लिखा है, उनके राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उनके अशोक चक्र राष्ट्रध्वज पर अशोक चक्र है और उनके करेंसी पर, भारत के करेंसी पर राजमुद्रा, सम्राट अशोक की राजमुद्रा है।
जहाँ भारत रत्न दिया जाता है, वो पन्ना जो है बोधि वृक्ष का पत्ता है, उस वो फॉर्म में दिया जाता है। इतनी सारी बातें हैं। गोविंद साहेब महामहिम को हम विनंती करते हैं, बौद्धों के द्वारा, तमाम दुनिया के बौद्धों के द्वारा, बौद्ध जगत के द्वारा, भारतीय बौद्धों के द्वारा, तमाम जापान के, चीन के, मंगोलिया के, वियतनाम के, थाईलैंड के, बर्मा के, श्रीलंका के, तिब्बत के, तमाम बौद्धों के द्वारा विनंती करते हैं कि वो इसमें हमें अपनी बात कहने का मौका दें और सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से वो आदेश दे, कोई ऑर्डिनेंस निकाले सरकार के लिए। ऑर्डिनेंस तो बहुत निकल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ये भी निकाले, कानून कामगारों के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस निकाला उसको वापस लेने का ऑर्डिनेंस दूसरा निकाले और वो पहले ऑर्डिनेंस को रद्द कर दे। विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के बारे में, एट्रोसिटी के बारे में जो कानून बन रहे हैं उसको रोके, और सबसे बड़ी बात के अयोध्या के मुद्दे पे और बुद्ध गया के मुद्दे को, बुद्ध गया को बौद्धों के कब्जे में देने की वो पूरी व्यवस्था करने के लिए बिहार का कानून जो है वो बदल कर प्योरली बौद्धों के कब्जे में दे, ऐसी हम उनको विनंती करते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई गुरुद्वारा गैर सिखों के कब्जे में नहीं है, कोई हिंदू मंदिर गैर हिंदुओं के कब्जे में नहीं है, कोई चर्च गैर क्रिश्चनों के कब्जे में नहीं है, कोई मस्जिद गैर मुस्लिमों के कब्जे में नहीं है। तो फिर ये बुद्ध गया का मंदिर, बुद्ध गया का बुद्ध विहार, जहाँ भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिसे तमाम दुनिया के लोग आकर वहाँ सिर नवाते हैं, जो तमाम दुनिया के बौद्धों का काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है, अमृतसर है, जेरूसलेम है, वो बौद्धों के कब्जे में दिया जाए, ऐसी मांग हम राष्ट्रपति जी से करते हैं, बड़ी नम्रता पूर्वक करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब उनको दलित राष्ट्रपति के नाम से नवाजा गया, और वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का बहुत सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षण करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर जी है, वो अपने जिम्मेदारी को निभाएंगे और हम पर बड़ा एहसान करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जय भीम।